ये बड़े चूजे हैं जी। ठीक है, हम इनको जो बच्चा बुच्चा घर के ना, सबसे पहले निकाला है इनको, इनको डाला है ताकि ये पेट भर लें। उसके बाद दाना रखेंगे, वो खाएंगे। उसके बाद बड़ी मादियाँ निकाल दूंगा, क्योंकि वो पहले निकाल दूँ तो वो नहीं फिर इनको खाने देती। ये टर्न बाय टर्न सिस्टम होता है जी, छोटे सबसे पहले, फिर उसके बाद बड़े। ठीक है, ये बड़े खुश रहते हैं इस तरह की बच्ची। आप प्याला एक इस तरह का रख लें, ये मैंने रखा हुआ है। इसमें जो बचती है ना घर की चीज़, सब्जी कटी, जो रोटी के पीस, ब्रेड के पीस, अंडा, वो उसके अंदर वो घर वाले फेंकते जाएं, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, जो सब रोटियाँ उन्हें ना मौजूद भिगो दें आप। ठीक है, रात को सुबह के टाइम गर्मियों में बेस्ट गज़ा है ये। बड़े पसंद से, शौक से ये खाते हैं, बड़े खुशी से खाते हैं चूजे। ठीक है जी, जो नेरा बाजरा आप डालेंगे तो बाजरा तो देखें चूज़ों के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता, हम एमरजेंसी के तौर पे आप यूज़ करें। जितना बाजरे से परहेज़ कर सकते हैं तो चूज़ों को रखें। गंदम भी ठीक है, गंदम भी ज़्यादा नहीं अच्छी, बाजरा भी ज़्यादा नहीं अच्छा। बाजरा खुश करता है इनको, इनको ग्रोथ चाहिए होती है इनको। इस तरह की चीज़ें जो उनसी ना बेस्ट रहती हैं, हरा वो हरा हरियाली। ठीक है, अगर सिर्फ बाजरा डाल रहे तो उसमें थोड़ी सी फीड मिक्स कर लें, तो ये है कि उनको वो प्रोटीन वगैरह जो उनसे ना मिलती रहती है। ये मेरी भतीजी है जी। इसको भी सुबह सुबह आराम नहीं आता, ये उठ गई है, पूछने आई है, उठे हुए हैं जी। वो बेटे मेरे, बेटा वो बेटी उसका खेलती है ना, इनके पेपर हो चुके हैं ना जी, अब फारग हो गई है, तो सुबह सुबह आई हुई है खेलने उनके साथ। लेकिन वो अभी सोए हुए हैं, वो अभी उठे नहीं हैं, तो अभी वो उठेंगे तो फिर खेलना उनके साथ। ठीक है, ये गुड गर्ल है जी, बड़ी लाइक है ये। अली बे पे बड़ी अच्छी लिखती है, लिखते आ जाती है, आता ना आपको, आपने फोटो देखी है? हाँ हाँ देखी है ना, ए बी सी भी सारी लिख लेती है ना। अलिफ मदापुरी लिखी है इसने जी। ठीक है, इसने बड़े अच्छे एग्जाम दिए हैं जी। ये प्ले ग्रुप में है, अभी ये आगे जाएगी नर्सरी में, नर्सरी में जाएगी। हाँ, ये दाना रखा है जी, ये थोड़ा बहुत दाना खाएंगे, वो देखो वो पानी पी रहे हैं, ये देखें जी। और ये देखो पानी में छप छप कर रहा है, क्या कर रहा है? छप छप कर रहा है। हाँ बस वो ये यही कुछ ही खाते हैं जी। ओ पानी में छप छप कर रहा है, नहा रहा है। ये पट्ठा लग रहा है जी, ये पट्ठा है, ये पट्ठी है, इस पे शक है, कोई पता नहीं है, पट्ठी है ये 100% मुर्गी है, पट्ठी है। और ये जो वाइट वाला ना जी, ये मुझे पट्ठा लग रहा है, अभी भी इनके छोटी नहीं। पट्ठा का मतलब मुर्गा। ठीक है, ये रेड कलर वाली मुर्गी है। ठीक है, वो भी पट्टी है, ये येलो में से पेवंद है, बड़ी बोर्ड की। ये एक मेरा फेवरेट इसमें से पट्ठा बना है जी, ये वाला है पट्ठा, पट्ठा मुर्गा, ये जो पिंजरे में मेरे पसंद का। एक और इस जैसा था, इससे भी अच्छा था, लेकिन वो जो उनसना जी मर गए। आप बड़े मुर्गों को खोल लाओ ना। नहीं। क्यों? अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला? हाँ। वो तो एक मिनट में उसको खोलता है, साइड में खड़ा हो जाता है, सारे मुर्गे बाहर आ जाते हैं। और अंदर भी तो थोड़े थोड़े कुछ जाते हैं। हाँ तो वो बाहर आ जाते हैं, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, आप जाओ कुंडी खोलाओ उसकी। नहीं। क्यों? नहीं लगता। तो अब्दुल्ला को खोल नहीं लगता।
अब्दुल्ला तो बॉय है। अल अब्दुल्ला तो गर्ल्स भी तो ब्रेव होती है ना, आप ब्रेव नहीं हो? ये जनाब डरती है, कहती है मैंने नहीं खोलना, अब्दुल्ला खोलेगा, अब्दुल्ला बोए है इसलिए वो खोल लेता है। ये गर्ल है ना तो ये नहीं खोल पाती, उधर से डरती है, है? तो इरहा इरहा भी तो नहीं डरती, वो भी पकड़ लेती है चूजों को, ऊपर से वो तो हाथ लगाती है। हाँ तो आप लगा सकती हो हाथ तो भी, आप तो पकड़ो ना। ये क्या बात हुई, ये देखो ये डर रही, क्यों डर रही हो? खा रहे ना उनको तो, ब्रेकफास्ट टाइम है ना उनको, खाना खाना है उन्होंने। और इधर क्यों आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं तो इधर ये पड़ा हुआ है ना, वो समझते हैं ये भी खाने वाली चीज है, फिर ये खाना है तो खा रहे हैं ना। ये देखे जी इनके नाश्ते का टाइम हो गया जी, टांग तो नहीं ना लाते। ओहो मैंने तो नहीं ना इस ना हिला करो, वो देखो डर गए, वो सारे उधर चले गए। ये बच्चों के काम होते जी ये। अच्छा जी भाई पूछते हैं जी, नवाब वाले का शौक करवाइए ना, नवाब बोलो देखो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, अगर मेरे पास बर्ड्स हैं तो मैं शौक करवाता हूँ, आप खुद जज करें ना जी कि नवाब वाले हैं कि नहीं। ये जो उनसे ब्लैक ये मादी है, बड़े नवाब वाले की पट्टी है, ये वाली भी उसकी पट्टी है, ठीक है, ये उसकी मुर्गी है, ये भी उसकी मुर्गी है, बड़ी मुर्गी है, प्योर जोड़े की बच्ची है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्योर जोड़े का बच्चा है जी बड़े नवाब वालों से, ठीक है। तो ये हालस है, ठीक है, ये भी हालस है, सारे ही हालस हैं जी, सब नवाब वालों में से। वो जो उनकी मादी उधर खा रही है वो भी नवाब वाले की बच्ची है, जो दो मादियाँ आपको चूज़ों के साथ दिखाई हैं वो भी नवाब वाले की पट्टियाँ हैं, बस छः सात मादियाँ हैं जी नवाब वालों में से कालियाँ, बस कुछ कुड़क है कुछ इस तरह, वो कट्ठी हो तो आपको ज़्यादा सी कलेक्शन नज़र आए, अभी तो तीन चार ही घूम रही है, ठीक है। ये उस्ताद मजर साहू ये ब्लड लाइन में से है, अब ये देखें ये मादियाँ कुछ जो सी ना ये वैसे ही लुक्स में से नज़र आएंगी आपको, आपको पता चलेगा ये तो ऑर्डिनरी सी है, ठीक है, लेकिन आपने इनका देखना ना, आपने इनकी भाइयों भाइयों को देखना है, इनके माँ बाप को देखना है। अब ये मादी है, ठीक है, अब इसके दोनों भाइयों की ना मैं पिक्चर साथ लगाता हूँ, आप देखें आपको पता चलेगा कि भाई ये वैसे लग रही है गंजी मंजी, ये तो मुर्गियों ने की हुई है ना, फिर इसके बच्चों की मैं वीडियो साथ लगाता हूँ आपको ना, ये जो डार साहब ने स्टॉपर ब्रीड बनाई हुई है ना, ये इस मादी में से बनाई हुई है, ठीक है, इस मादी के बच्चे, तो ये इसमें टाइसन का भी ब्लड है, उसमें साहू की बड़ी मादी की बच्ची है ये किलो वाली की, उसकी भी पिक्चर लगाता हूँ मैं आपको, आपको पता चले, ठीक है। फिर इसकी इसकी बहन एक उमरी है, मैं आपको वो आगे पीछे वो, ठीक है, वो इन ब्रेड है, वो बड़ी किलो वाली मादी का बच्चा जो कि इसका सगा भाई है, इसके भाई को दोबारा माँ के साथ लगाया गया तो ये बनी है, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि इन दोनों की फैमिली आप देखें, ये तो वैसे अब इधर वीडियो में ये ऑर्डिनरी सी लग रही है, लेकिन इनके रिजल्ट्स, इनके भाई, इनके बाप, इनकी बहन, बहुत सो मतलब बाकी फैमिली को देखें आपको फिर मादियों का पता चलता है, क्योंकि मादियों में देखें ना वो एक्टिवनेस होती है रूस्टर्स की तरह, ना उनका कोई चेहरा या कुछ इस तरह होता है, ठीक है, तो वो उनके रिजल्ट, उनके बच्चों के ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट्स, ठीक है, फिर वो देखे जाते हैं। अब ये मादी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नवाब वालों का और मास्टर जी के सावे जो उनसे हैं उनका क्रॉस है, इसके जनाब एक भाई मुश्का है, वो ब्रीडर बना हुआ है जी, ब्रीडर है डार साहब के पास, इसके भाई के बच्चे हैं जो कि उस पहले वाली मादी के साथ हैं जो कि स्ट्रॉपर ब्रीड बनी है, ठीक है, एक सावा है मेरे पास इसका सगा भाई, ठीक है, तो वो देखने सुनने वाला मुर्गा है, ठीक है, इसके एक भाई है आरफ वाला, किसी भाई के पास है, मुझे नहीं पता कौन है, डार साहब के साथ उनके साथ है, तो वो बंद गदी का शौक करते हैं, तो इसका भाई वो बंद गदी के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्होंने लड़ाना है, दो तीन तपनियाँ भी दे चुके हैं, ठीक है। अब ये मादी गोबरी है, इसके देखें एक कील है, एक टांग में कील है, ठीक है, पकड़ के मैं उस तरह शौक नहीं करा सकता, यूट्यूब में पॉलिसीज आप पता ना आपको चेंज हो चुकी है, तो वो ये फैंसी मुर्गा था मेरा, उसका मैं शौक करवाता हूँ आपको बीच में, वो भी दूसरी मादी है, ये तीन बहने हैं जी, एक के साथ बच्चे हैं तो दो ये हैं, ठीक है, ये फैंसी की बहने हैं, फैंसी मुर्गा था जो देखता था मेरे घर आके,
तो उसका जनाब दिल खुश हो जाता था कि भाई ये मुर्गा बहुत नायाब किस्म का, ठीक है, ये उसकी सगी बहन है, बड़ी लसानी मुर्गी मेरी जो सी, मेरा जो बैंगम है उसकी सगी बहन है, उसकी बच्चियाँ ये, ठीक है, मतलब ये प्योर लसानियों में से आ रही है, लेकिन इनका बाप जो सा है वो नवाब हल सॉरी नवाब साहब का जो मुर्गा था, नवाब वाले कालों में से जो मुर्गा था मेरे पास, बड़ा ब्रीडर, ये उसकी बच्चियाँ हैं, ठीक है, मतलब ये नवाब वाले और लसानियों का क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है, ये है बड़ी मादी बड़े जोड़े की प्योर बच्ची है, ठीक है, ये प्योर में से पठ बनी है जी, ठीक है, इनके आंखों में ये जितनी भी काली मादी है इनकी आंखों में तिल भी है, ठीक है, निशान भी है, बड़ी खूबसूरत मादी है, ठीक है, टिकटॉक पे आप जाएं तो आपको शौक उधर ना नज़दीक से करवाया होगा। बाकी रही बात ये क्रैकन ब्रीड में से जो बैंगम मुर्गी का शौक करवाया पहले आपको मैंने, जो काढ़ी है ये उसकी पट है, आगे ये बाकी क्रैकन को तो मेरे जानते ही हैं, ये जो है ये मेरा लाखा ब्रीडर है उसकी पट्टी है, इसका भाई जो उन जनाब बहुत सख्त उड़ता था, लाख पट्टी बेहतरीन कारीगर था उसका, ठीक है, और मैंने अपने से डबल साइज के मुर्गों के साथ वो तपाता था पट्टों के साथ, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता था वो, फिर एक भाई है जी अटक के यस उनको दिया था मैंने, वो कहते थे बड़ी बाजी पे लड़ाना है, वो बड़े पीछे पड़े हुए थे, उनको दे दिया मैंने, बाजी पे लड़ नहीं सका, वो बीमार हो गया जी, मार गया उनके पास, ठीक है। ये जो पट्टी है जी पीली, ये बारमूसा से एक भाई है, शौकीन है, बड़े अच्छे शौकीन थे, वो फौत हो चुके हैं जी, उनका शौक है, उनके भाई ने संभाला हुआ, उनके पीले वो पीले उनके बड़े मशहूर हैं जी, पीले बहुत अच्छे इनका, इसका बाप मैंने देखा बहुत अच्छा मुर्गा है, दिल्ली तौर पर मुझे पसंद है, ये उसकी पट्टी है जी, ठीक है, हाँ जी मुर्गी, ठीक है, ये जो मुर्गी है जी इसके सगे भाई का मैंने एक वीडियो में शो करवाया है, वो भी साथ लगा देता हूँ, अब देखें बजाते खुद ये मुर्गी देखेंगे कहेंगे ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मुर्गा वो देखता है वो कहता है कि भाई ये नायाब चीज़ है, मुर्गों का शौक अलग होता है, मादियों को समझना अलग होता है, मादियों को उनकी लुक्स उनकी खूबसूरती से नहीं पहचाना जाता या शौक किया जाता है मादियों का, मादियों का असल पता चलता है उनकी ब्लड लाइन उनकी फैमिली को देख के कि ये कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ठीक है। तो ये नवाब साहब जनाब खा रहे हैं, अब ये खा चुके हैं, अब ये पानी पिएंगे, ये सारा दिन घूमता रहता है, बड़ा जानवर है तो फिर इनको बंद करके नहीं रखता, ये जुड़ जाती है टांगे इनकी, फिर तो ये चलो घूमते रहे जोर शोर खाते रहे मज़े करें। ये अब मैं जाऊँगा मुल्तान वगैरह तो ये मैंने उठा के उधर ही छोड़ा मैं, ठीक है, तो मैं एवरेज साइज के बर्ड ही रखूँगा, ये बहुत बड़े जोन से ना इधर फिर संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, फिर हमने केजेस में बंद रखने होते हैं, इतने संभाल भी नहीं सकते, ये खुले इलाकों में, ठीक है, उधर डेरा डगा है खुला तो उधर ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। इधर जो आए देखो आयत शक्लें बनाई, आयत क्या करी अच्छा बच्चे बड़े शैतान होते हैं जी, ठीक है, शुगल मेला बच्चों के साथ लगता रहता है, ये प्योर नवाब वाले का शौक करें जी, प्योर नवाब वाला